हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है आपके लिए कि इस महीने, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इसको देख रहे हो, इस महीने क्या अनएक्सपेक्टेड, जो आपको पता नहीं था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था, वो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या ऐसी चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो है हेल्पफुल होंगी, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे है मेरे पास 3 पाइल्स। तो फर्स्ट पाइल है ये पाइल 1, ब्यूटीफुल क्रिस्टल रूट चक्रा के लिए यूज़ होता है ये, मुझे नाम भूल गया इसका, ये है रोज क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट फॉर श्योर। थर्ड आई चक्रा के लिए और क्राउन चक्रा के लिए बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है। तो आप मेडिटेट कर सकते हो, आप पेंडुलम यूज़ कर सकते हो, आप पॉज करके टाइम ले सकते हो चूज़ करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1, तो क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है आपकी लाइफ में इस महीने, तो हम लोग चेक करेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। तो सबसे पहले कि पूरे मंथ की जो है ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है, क्या करोगे आप, मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली, वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि जो भी आप करोगे, इवन अगर आप सोचोगे भी कुछ, ठीक है ना, मैनिफेस्ट करोगे, उसकी तरफ एक्शन लोगे आप, वो बिल्कुल फियर आपका जो है ख़त्म हो गया है, आप फियर नहीं आएगा। फियर की वजह से जो है आपके जो है आपकी जो भी एक्शन है वो रुकेंगे नहीं। तो फियरलेसली आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड। ये किसी भी तरह का वो हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्लेस हो सकता है। अगर आप वर्क में के लिए कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, नए पार्टनर की तरफ जा रहे हो, नए रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा जो लाइफ में आप स्टेप लेने वाले हो, चेंजेस लाने वाले हो, उस तरफ जो है आप फियरलेसली, अब कुछ सोच नहीं रहे हो आप, तो है कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आप उसकी तरफ मूव करने के लिए। तो ये है आपका ओवरऑल एनर्जी महीने की। तो अब देखते हैं कि कौन सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट, बहुत ब्यूटीफुल। तो पहला जो कार्ड है जजमेंट का, यानी कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आप ये अंडरस्टैंड करोगे, आप कंपेयर नहीं करोगे, जज नहीं करोगे किसी को, इस वजह से जो है ना आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, दूसरों के पाथ, और जो है आप जज नहीं करने वाले हो दूसरों की नेचर को, दूसरे जो भी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं जब, या बोल रहे हैं, उनको जज नहीं करने वाले हो आप, तो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। टू ऑफ एयर, यानी कि अगर आप जो है मेंटली किसी के साथ जो है वॉर पे हो, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने साथ या किसी के साथ भी, ठीक है ना, वो सिर्फ इस जजमेंट की वजह से जो है बना हुआ है, और शायद आप प्रटेंड कर रहे हो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है दूसरों को लेकर। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस यहाँ पे इस नतीजे पे पहुँचोगे, इस जजमेंट से बाहर निकलोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि वो अपने पाथ पे हैं, आप अपनी सोल जर्नी पे हो, तो कोई भी किसी को जज करने के लिए यहाँ पे दुनिया में नहीं आया है। आप सिर्फ अपने लेसन लर्न करने के लिए आए हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हो, यहाँ पे किसी को जज करने के लिए आप दुनिया में नहीं आए हो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स में था, जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। ये शायद आपने नहीं सोचा होगा कि हो सकता कि काफ़ी टाइम से आप इस एनर्जी में थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जो है आपके लाइफ में होने वाला है इस महीने। तो नेक्स्ट चलते हैं वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजेंट चेंज एन आउटकम। अगेन, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी वरी में थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे उस चीज़ को लेके, काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आउटकम को,
ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इम्पेशेंस हो रहे हो कि ये अभी होना चाहिए। हालांकि ये इसके बारे में भी हो सकता है कि आप जो है अपनी थॉट्स को लिमिट कर रहे हो, आप आउटकम में यू नो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, रिजिस्ट कर रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिट कर रहे हो अपने आप को एक साइकिल में बंद करके। या ये हो सकता है कि एक जो है ना आप साइकिल ख़त्म कर चुके हो, तो अगर आप अगर वरी भी कर रहे हो उसके बारे में, उससे जो है ना वो आउटकम चेंज नहीं हो जाएगी, डज नॉट चेंज एन आउटकम। दोनों जो है ना ये पर्पल कलर के कार्ड हैं यहाँ पे, तो ये थर्ड आई के कार्ड है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं ना किसी चीज़ को लेके, होल्ड करे रखते हैं सारा दिन उसी के बारे में सोचे रहते हैं, उससे होता क्या है कि आपकी थर्ड आई जो ब्लॉक हो जाती है, आपकी क्लैरिटी नहीं आती, आपकी इंट्यूशन आनी, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आनी बंद हो जाती है, ठीक है ना। उससे जो है ना और जो भी पॉजिटिव आउटकम के लिए आप काम कर रहे हो वो आनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आप सीख गए हो इससे वरी कि मुझे वरी नहीं करना है, सरेंडर करना है भगवान को कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो यहाँ पे वो आप ये करने वाले हो कि आप और ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, अपने प्रेजेंट में लिव करोगे और जो भी हो रहा है उसके लिए आप सरेंडर करोगे और ये सोचोगे कि ये मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमर का कार्ड, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो अगर आप वरी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब वरी वाली एनर्जी में से निकलोगे तो आप ह्यूमर वाली यानी कि लाफ्टर, आपकी जो लाइट साइड है, कहते हैं ना चुलबुले होना, ठीक है ना, फनी साइड जो है ना आपको, या जो है फन की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए और फन एनर्जी में रहने वाले हो। तो जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फाइव ऑफ एयर अगेन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या अपने साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे आप निकल पाओगे जब आप ह्यूमर वाली साइड को एम्ब्रेस करोगे, यानी कि फन साइड के ऊपर फोकस करोगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे, किसी को जज नहीं करोगे, किसी को वरी नहीं करोगे और ह्यूमर के ऊपर जो है आप फोकस करने वाले हो, उससे जो है ना आपकी जो सारी वरीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ना भाग जाएंगी। और जिससे क्या होगा, आप सन की एनर्जी क्रिएट करोगे, हैप्पीनेस की एनर्जी, यू नो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उससे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो है जजमेंट से, वरी से जो है लो हो जाती है हम लोगों की। तो ये डेफिनेटली जो ना उसी से जो है हैप्पी आउटकम आप क्रिएट करोगे, यानी कि आप जो है जो भी आ रहा है उसको यू नो फन वे में लोगे कि हाँ जो भी आ रहा है भगवान की तरफ से आ रहा है, मैं तो सिर्फ सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फन वे में उसको आप ले रहे हो कि जो भी हो रहा मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मैं जो भी आ रहा है मेरी तरफ मैं उसको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी से जो है आप हैप्पीनेस क्रिएट कर पाओगे, सक्सेस क्रिएट पाओगे और डेफिनेटली जो है वरी से आप बाहर निकल आओगे, जो नेगेटिव एनर्जी है अपनी वाइब्रेशन आप यहाँ पर हाई करोगे। तो लास्ट है आपके लिए ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. अगर आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो आपको सच बोलें या झूठ बोलें, लेकिन आप अपने लिए तो ऑनेस्ट हो सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, खुद को जांचने की परखने की बजाय हम लोग दो लोगों पे फोकस करते हैं, यू नो लोगों को जज करते हैं कि उसने झूठ बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। नहीं, हम लोगों को अपने लिए सच रहना, वो आपके हाथ में है, ठीक है, वो आप कर सकते हो कि अपने लिए सच रहना, अपने लिए ऑनेस्ट रहना, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। दूसरों को जज करना आपकी सोल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो उसी से जो है ना आप बहुत चीज़ें लर्न करोगे, जब आप ऑनेस्ट रहोगे ना आपकी मूवमेंट होगी आगे को, आप अपने ऊपर सेल्फ लव क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए डेफिनेटली सक्सेस क्रिएट कर सकते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जो है उसको पा सकते हो आप, जब आप ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है ना, और ओपन रहोगे नई चीज़ें लर्न करने के लिए, ग्राउंडेड रहोगे, हम्बल रहोगे, पेशेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली पेशेंट है, रेडी टू लर्न है, हम्बल है, ठीक है। तो आप जो है अपने आप को लव करना, जब आप ऑनेस्ट होते हो अपने लिए तो आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को जो लोग प्यार करते हैं वही दूसरों को प्यार कर पाते हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है काफ़ी लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है क्योंकि क्योंकि आप जजमेंट, वरी, इन सबसे बाहर निकल के ह्यूमर को एम्ब्रेस करने वाले, ऑनेस्टी को एम्ब्रेस करने वाले, तो डेफिनेटली आपकी जो है हेल्थ इंप्रूव होगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है ना, अगर आपको एंजल से कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो, ये कार्ड इंप्रूविंग हेल्थ का है, कि आपकी जो है डेफिनेटली हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि आप जजमेंट और वरी से बाहर निकल के एक ह्यूमर वाली एनर्जी में सारा दिन लाइट, हैप्पी, यू नो स्माइल ऑन योर फेस,
सारा दिन इस एनर्जी में रहने वाले हो और अपने आप को बहुत सारा प्यार करने वाले हो, जिससे बहुत सारी आपकी जो है स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आप सक्सेस वाली हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में चले जाओगे। तो रिमेंबर हु यू आर, आर्कएंजल माइकल, यू आर पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। तो ये याद रखना है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, दूसरों को जज नहीं करना है, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपने अपने आप को प्यार करना है, अपने लिए ऑनेस्ट रहना है। तो ये थी पायल वन की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो पायल वन, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे angelguidance2020@gmail.com पर। ये हमेशा मेरा ईमेल एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। तो चलते हैं पायल टू की तरफ। हाय पायल टू, अगर आपने ये वाला रोज क्वार्ट्ज जो है हार्ट को हील करने के लिए जो है यूज किया जाता है, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया है, तो देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इस महीने आपकी तरफ आ रहा है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहला है राइज अबव प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है कि अगर जो भी आपको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ की, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, आप उन्हीं में स्टक रहते थे, तो अब जो है उन्हीं के ऊपर सोचते रहते थे, वो उन्हीं के ऊपर रिएक्ट करते थे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके फंसे रहते थे। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, आप उनसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से लाइफ की ऊपर उठने वाले हो। ये सारी प्रॉब्लम्स अब आपको मैटर नहीं करती, आप रिएक्ट नहीं करते हो, बड़ी जो होता है ना, जब स्ट्रांग हो जाते हो आप फिजिकली मेंटली इमोशनली, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, आप जो है रिएक्ट नहीं करते हो और बड़ी माइंडफुल होकर आप अपनी लाइफ को जो है ये सॉल्व कर पाते हो जितनी भी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट है जो क्या अनएक्सपेक्टेड है, एनवी, ये आपके इस महीने में आने वाला है कि आप जो है आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आप ये अंडरस्टैंडिंग आने वाली है आपकी कि आप सबकी तरह ही हो। इसका मतलब है कि शायद आप कंपेयर करते हो लोगों से कि मेरे चैलेंजेस ज़्यादा हैं, उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, उसकी चैलेंजेस कम है, उसकी प्रॉब्लम्स कम है, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई है कि सब हम लोग एक जैसे ही हैं बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। हम लोगों को भगवान ने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस दिए हैं और उन चैलेंजेस में से निकलने के लिए उतनी हम लोगों को शक्ति भी दी है यहाँ पर। ये भी हम लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो ये है एट ऑफ एयर कि आप सब जैसे ही हो, लेकिन आप देखो बाहर निकल रहे हो उन सब में से, अब अलग नजर आ रहे हो, क्योंकि जो है आपने अपने चैलेंजेस से निकलने की, जो भगवान ने आपको चैलेंजेस दिए हैं, उन चैलेंजेस में से निकलने की आपको वो शक्ति भी दी है, जिसकी वजह से आप डिफरेंट हो सकते हो। वो कैपेबिलिटीज आपको दी है, वो स्ट्रेंथ दी है आपको बाहर निकलने की उसमें से। तो ये आप रिकग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। आप कंपेयर करना छोड़ दोगे, जज करना छोड़ दोगे अपने आप को, ठीक है, कि मेरे को, मुझे ज़्यादा चैलेंजेस है, मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये इस वजह से भी है कि राइज अबव प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप प्रॉब्लम से ऊपर उठ रहे हो, तो आप ये जज करना, ब्लेम करना, यू नो, वो सब जो है चीज़ें को छोड़ रहे हो। नेक्स्ट है आप अनएक्सपेक्टेड है जो फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो कोई भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, और फिर भी आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही थी, ये सब डिफरेंट हो सकता है। ये किसी के लिए करियर के लिए हो सकता है, किसी के लिए वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी जगह पे आप जो भी एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो शायद आप अपने आप को जो है फेलियर जैसा फील कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हो कि ये जो है ना, मैंने लर्न किया है उससे। तो क्या हुआ कि अगर जो है सक्सेस नहीं मिली, तो क्या मैंने ये लर्न किया है, ठीक है, उससे जो लेसन मिला है, ठीक है, वो सीखा है आपने,
तो आप देखो यहाँ पे सेवन ऑफ एयर में आपकी एनर्जी जो है ना स्कैटर्ड है, यानी कि आप एक तरह से कंफ्यूजन में थे कि मैं कहाँ मैनिफेस्ट करूँ, मेरे को यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही, यहाँ पे भी फेलियर हो रहा है, यहाँ पे भी फेलियर हो रहा है। उस वजह से जो आप स्कैटर्ड एनर्जी हुई हुई थी कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कहाँ मैनिफेस्ट करना है, तो उन सब चीज़ों से जो है आप डेफिनेटली मूव करने वाले हो इस एनर्जी में टेन ऑफ फायर में। यानी कि वो जो लेसन्स थे जो आप शायद पहले बाहर समझ रहे थे कि मैंने इतनी सारी कोशिश की, मेरे को सक्सेस नहीं मिली है राइट नाउ उन सब, लेकिन आपने अब ये समझ लिया है कि लेकिन हर जो फेलियर से आपको जो एक लेसन मिला है उन सब लेसन्स को उठा के, यानी कि अपने साथ रख के, ठीक है पहले वो बोझ लग रही थी लेकिन आपको क्योंकि ये समझ लिया है आपने कि वो लेसन्स हैं एक्चुअली में मेरे को बेटर बनाने के लिए, मेरी बेटर एफर्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपने वो सारे लेसन उठा के फिर से आप उठोगे, यू नो हिम्मत अपनी बांध कर फिर से आप उठने वाले हो और जो है फिर से आप जो है काम करने वाले हो, यानी कि कोशिश करने वाले हो, क्विट नहीं करने वाले हो। तो अगर हो सकता है कि आपने पहले क्विट करना शुरू कर दिया था या कर चुके थे कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यहाँ पे आप दोबारा से उन लेसन्स को लर्न करके कि कौन सी चीज़ें जो हैं मेरी सक्सेस में बाधा आ रही थी, वो उन चीज़ों को लेसन्स को आपने लर्न करके अब जो है आप बेटर परफॉर्म करोगे जहाँ पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो। जब आप बेटर परफॉर्म करते हो सारे लेसन लर्न करके तो डेफिनेटली आपकी जो है परफॉर्मेंस बेटर के साथ जो है उसकी जो है रिजल्ट्स भी जो है बेटर आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका अनएक्सपेक्टेड क्या आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो आप डेफिनेटली जो है ना फेलियर से मैं कहूँगी कि ये ग्रोथ का जो है वो है रिलेटेड है कि आप जब सारे लेसन्स लर्न करके जब आप उठे हो किसी चीज़ के लिए तो उससे जो है डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी खुद की जो है फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी जो भी आप करोगे, जिसके ऊपर भी एफर्ट डालोगे। तो फोर ऑफ एयर जो है यहाँ पे तो ये सजेस्ट करती है कि अगर आप जो बहुत सारा काम कर रहे हो अगर उसमें आप ब्रेक लेना, रिजुविनेट करना अपने आप को, यू नो अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना या फिर मेडिटेट करना, इन सब चीज़ों जो है प्रेयर्स करनी, इन सब चीज़ों से जो है ना आपको डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सपेंड करोगे, अपनी सोल ग्रोथ को जो है, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को जो है आप एक्सपेंड करने वाले हो। तो इस महीने जो है ना पाइल टू आपकी जो है आप इस एनर्जी में से डेफिनेटली कि आप जो है वो चैलेंजेस जो भी थे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके बाहर निकलने वाले हो। पहले आप शायद कंपेयर कर रहे थे या भगवान को बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में क्यों इतने सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो वो चीज़ की अगर एनर्जी थी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थी उसमें से आप बाहर निकल रहे हो सक्सेसफुली एक्सेप्ट करके चैलेंजेस को, वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर पा रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पे फेलियर अगर किसी चीज़ को लेके आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी तो यहाँ पे आपकी जो है दोबारा से आप हिम्मत करोगे सारे लेसन्स को यूज़ करके अब जो है बेटर परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। तो ये तीन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पायल टू आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आपका एंजल से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इस महीने के लिए आपको जो भी एंजल से पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो पहला है यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी आप कर रहे हो वो बड़ी पीसफुली जो है आप सक्सेसफुल हो पाओगे उसमें जो है, क्योंकि आप मेरे को लगता है कि आप काम माइंड के साथ एक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोर ऑफ एयर के साथ पूरी माइंडफुल होके प्लान करके कि इस तरह से पहले काम नहीं किया अब इस तरह से मेरे को बेटर जो है प्लानिंग करनी है, ठीक है, पूरी माइंडफुल होके पूरा फोकस करके आप पूरे ध्यान से, जब हम कहते हैं ना पूरे ध्यान लगा के हम लोग किसी चीज़ को बड़ी केयरफुली जो है काम करने जा रहे हैं तो उससे जो है हम लोग रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। नो नीड टू वरी, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वरी जो करना है आपको वो जो है आउटकम को चेंज नहीं करेगी आपको, तो वरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वरी के अलावा इन सारे लेसन्स को याद रख के जो है आगे बढ़ना है आपको। लास्ट कार्ड देखते हैं पाइल टू आपके लिए, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड आर्कएंजल सैंडलफॉन। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव।
तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो है इस महीने कोई ना कोई गिफ्ट आने वाला है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये कईयों के लिए सिर्फ ग्रोथ हो सकती है कि आई वांट, जो कॉन्शियसनेस जो है ना यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, तो आपको कॉन्शियस होने वाले हो, अवेकनिंग होने वाली है, री अवेकनिंग होने वाली है इन सब लेसन्स के जो आप लर्न करने वाले हो। एनवी, फेलियर, ग्रोथ, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यही आपका गिफ्ट हो सकता है गॉड से, और या डिफरेंट टाइप को सबके लिए डिफरेंट गिफ्ट हो सकता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल टू। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी पाइल आपको रेजोनेट की है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर angelguidance2020@gmail.com, जो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। चलते हैं पायल थ्री की तरफ। हाय पायल थ्री, अगर आपने एमेथिस्ट चूज किया है तो देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी तरफ जो है पायल थ्री, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही नहीं था, वो क्या, कौन सी ऐसी आपकी सोल ग्रोथ हो रही है इस महीने में, जब भी आप ये देख रहे हो वीडियो, तो क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाली है आपकी इस महीने के लिए, ताकि आप अवेयर रहो उस एनर्जी से, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो जो भी आप, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थर्ड आई चक्रा के थ्रू जो है आप विजुअलाइज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो हैं आप वो कर रहे हो, और डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप के लिए, कुछ जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये सबके लिए डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हो जाती है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करके यहाँ पर डेफिनेटली आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। तो क्या अनएक्सपेक्टेड जो है आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आप अवेयर नहीं हो इस महीने में। तो पहला कार्ड है यहाँ पे प्राइड का, जो है आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो शायद आप जो है अपने आप को प्यार करना भूल गए थे, तो यहाँ पे आप सीख रहे हो अपने आप को प्यार करना, वही जो है आपका जो है लव जो है, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरों के ऊपर, ठीक है ना। तो आप दूसरों को भी जो है प्यार करना वाली एनर्जी से ही जो है ना आपकी वो जो पॉजिटिव हो रही है, अपने आप को प्यार करने से जो है सेल्फ लव यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो। द चैरियट, ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे जो है ना आप अपने आप को प्यार करने से आपकी जो है आपकी एनर्जीज, यिन यैन एनर्जीज, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप कह सकते हो, वो बैलेंस हो रही हैं यहाँ पे। या कह लो कि अगर आप बहुत ज़्यादा पहले नेगेटिव सोच रहे थे, तो अब जो है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव उनमें वो जो है बैलेंस कर पा रहे हो। उस बैलेंस की वजह से जो अगर आप इम्बैलेंस हो के कहीं पे स्टक थे, ठीक है ना, तो वो जो है अब जो है स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल के आगे की तरफ मूव करने वाले हो। आप देख सकते हो चैरियट का जो कार्ड है ये मेजर अरकाना कार्ड है, तो डेफिनेटली बिग मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। तो सेल्फ लव से क्या होता है कि जब हम लोग अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, तो उससे जो है आप बैलेंस कर पाते हो अपने आप को, एक बैलेंस्ड पर्सन बना पाते हो। जब आप बैलेंस कर पाते हो, तो वही जो एनर्जी जो है आपकी कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से रुकी हुई थी, वो जो है आपको अब पुश करती है आपकी गोल्स की तरफ। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो इस प्राइड एनर्जी के साथ यहाँ पे, जो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। अब आपको ये पता लग रहा है कि प्यार करने से ही, जो खुद को प्यार करने से जो है आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाओगे, आगे की तरफ जो है मूव कर पाओगे। तो सेकेंड है यहाँ पे परसवियरेंस, I know that I can do whatever I set my mind to, ठीक है। वही शायद जब आप अब प्यार करने लगे हो अपने आप को, उसी से जो ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। कॉन्फिडेंस से आप ये फीलिंग आपको आने वाली है कि एक्सक्यूज मी कि आप
जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप वो कर पाओगे, शायद आप में वो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, आप मैनिफेस्ट शायद कर रहे थे लेकिन आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे, लेकिन यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो आप सोच रहे हो। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, कई लोग जो है मैनिफेस्ट करते रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको डाउट होता है, वो सेल्फ डाउट करते हैं कि आएगा कि नहीं, ऐसा होगा या नहीं, मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं, तो वो सेल्फ डाउट से जो है ना, क्योंकि आप अपने आप को इनफ लव नहीं करते, अपने आप को बैलेंस नहीं करते। जब आप ये अपने आप को प्यार करते हो, बैलेंस करते हो, उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप जो भी कर रहे हो ना आप इजिली पा लोगे। तो ये डेफिनेटली नाइन ऑफ वाटर बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि जो है जब आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आई नो दैट आई कैन डू इट वट एवर आई सेट माई माइंड टू, तो उसी से जो है ना पॉजिटिव सोचने से और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका आ गया है अपने आप में, उससे जो है आप विश फुलफिलमेंट, नाइन ऑफ वाटर या नाइन ऑफ कप का कार्ड, यानी कि जो भी लोग जो भी विश कर रहे थे, मांग रहे थे, वो उनकी जो है पूरी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ब्यूटीफुल कप्स हैं ये, यानी कि जो है आपकी जो भी आप विश कर रहे थे वो आपकी इस महीने में विश पूरी हो रही है, क्योंकि आपने जो है ना अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया है, आपने बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो आपकी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, आप डाउट नहीं कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो और वो कॉन्फिडेंस जो है आपकी तरफ, आप वो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो अपने आप में। तो देखते हैं थर्ड क्या अनएक्सपेक्टेड है, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, बहुत अच्छी। एक और जो है आप यू नो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है जब आप इस तरह के नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलते हो। एक जो यहाँ पे जो पॉजिटिव मेरे को नज़र आ रहा है कि प्राइड और परसुअरेंस है आप में, तो एक और चीज़ जो है आप ऐड कर रहे हो ब्लेम को यहाँ पे, तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में गलत हो रही थी या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे आप, तो आप शायद लोगों को ब्लेम कर रहे थे, भगवान को ब्लेम कर रहे थे, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल आ रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे हो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। जब हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि लाइफ में जो कुछ गलत हो गया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको इस बारे फिक्स करने की, पास्ट में हो गया तो प्रेजेंट में आपको वो मौका मिल रहा है, भगवान दे रहा है। जब आप ये ब्लेम की वो करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब भी आपकी सोल ग्रोथ जो है ना एक लेवल बढ़ जाता है, यानी कि आप सोल ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, जहाँ पे आपकी सोल ये बताती है आपको, अंतरात्मा आपकी बताती है कि हाँ ये ऐसा गलत किया मैंने, इस वजह से मेरे को ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, तो आप जो है ना फिर अब वो दोबारा से मिस्टेक नहीं करोगे। अगर दोबारा मिस्टेक नहीं करोगे तो किसी को ब्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी वो जो है सोल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो ये देख सकते हो कि आप किंग ऑफ अर्थ, जिससे जो है ना अब आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। जब आप ब्लेम करना आपने छोड़ दिया, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हो, तो यहाँ पे जो है अपनी ग्रोथ में आप हेल्पफुल हो रहे हो, आपकी हेल्थ भी यहाँ पे मेरे को बेटर नज़र आ रही है, ठीक है ना, सेल्फ ग्रोथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप बटरफ्लाइज देख सकते हो, आप अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन में आप हेल्पफुल हो रहे हो, क्योंकि अब जो है आपने दूसरों को ब्लेम करना जो है छोड़ दिया है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने अपने ऊपर ले ली है। तो पाइल थ्री, ये तीन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होने वाली हैं इस महीने में, जो है प्राइड, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो अपने आप को, प्यार करने से आपकी जो है एनर्जीज जो है बैलेंस होने वाली हैं, जो आपको हेल्पफुल होंगी आगे बढ़ने के लिए अगर आप कहीं पे भी स्टक थे। परसुअरेंस जो है, आप जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है कि जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आई डिजर्व इट एंड इट इज कमिंग टू मी। तो आप जो है ना अब पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हो, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर्स में आप भगवान से कुछ मांगते हैं और फिर पूरा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, आप ये नहीं सोचे जाते कि आएगा या नहीं आएगा, भगवान देगा या नहीं देगा, तो आप ये नहीं करते हो, आप अपना काम करते हो, अपना कर्म करते हो और भगवान के ऊपर छोड़ देते हो। और ब्लेम जो है, ब्लेम से आप दूसरों को ब्लेम करने से जो आप
जो है, या खुद को ब्लेम करने से आप जो है इन नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे थे अपने सराउंडिंग में, वो आप अब नहीं करोगे। आप जो है कुछ भी अगर गलत हो रहा था उससे सीख के जो है आप आगे बढ़ोगे और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने आप को ग्राउंड करोगे, तो जिससे जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी सोल की ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है एंजल से तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ। ये है आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आस्क योर एंजल्स, तो आप पूछ सकते हो अपने भगवान से, अपने एंजल से जो है, आप मैनिफेस्ट करते हुए, आप मेडिटेशन करते हुए, प्रेयर्स करते हुए आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ अगर पूछना है या कुछ समझ में नहीं आ रही है या किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए तो आप इस तरह से पूछ सकते हो उनको। और लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर लीडरशिप का, आर्कएंजल गैब्रियल। इट इज़ टाइम फॉर यू टू अज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजिशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। वेरी ब्यूटिफुल। तो जब आप जो है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, सरेंडर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, उसी से जो है ना आप जो है आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ रही हैं। एक लीडर यही करता है, वो ब्लेम नहीं करता, वो खुद की सक्सेस के ऊपर काम करता है, वो खुद की सोल ग्रोथ के ऊपर काम करता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, खुद को प्यार करता है। तो जो है ना आप लीडर बन जाते हो दूसरों को हेल्प करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करने के लिए, उनको काउंसलिंग देने के लिए। तो ये जो है ना आपको लीडरशिप पावर जो है मिल रही है, इन सब जो अनएक्सपेक्टेड जो है एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो दैट्स इट फॉर पाइल 3। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो angelguidance2020@gmail.com पर। ये ईमेल एड्रेस हमेरा हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल 3 एंड बाय फॉर नाउ।